सख्त लफ्जों के विरोध करती है। असी बेनती करते हैं भी छेती तो छेती गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी बहाल किया जाए। सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी 7 डेज के लिए सस्पेंड किया, मैं इस चीज का विरोध करती हाँ। साथी नौजवान किसान एकता वालों राजकौर गिल गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के नाल खड़ी सी खड़ी रहूगी जदों तक के काले कानून नहीं रद्द होंगे। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से 7 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है, जिसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही चढ़ूनी ने कहा है कि मैंने अपनी विचारधारा रखी थी कि पंजाब को क्लीन करने के लिए करप्ट लीडरों का सफाया जरूरी है। वहीं दूसरी ओर चढ़ूनी ने स्पष्ट किया है कि मेरा स्टैंड मेरी विचारधारा पर है। किसानों की ओर से सरकार बनाकर ही देश का भविष्य बदला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर युवा किसानों की ओर से गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड करने के फैसले का विरोध किया जा रहा है। साथियों नमस्कार। साथियों आज संयुक्त मोर्चे के फैसले पे जो चर्चा शुरू हो गई है और सारे चैनल वाले भाई जो है वो बार बार डिबेट मांग रहे हैं, तो मैं सबके लिए बता देता हूँ कि आज जो संयुक्त मोर्चे ने फैसला लिया है, जो मैंने बयान दिया था, एक विचारधारा देश के सामने पेश की थी, पंजाब के सामने पेश की थी, मिशन पंजाब। मैं मेरी विचारधारा थी कि मिशन उत्तर प्रदेश आप चला रहे हो, वो बीजेपी को हराने के लिए चला रहे हो। बीजेपी के हारने से अगली पार्टी का जिसका राज आएगा, क्या वो हमारी बात मानेगी? मैंने उदाहरण भी अपने वीडियो में दिया था कि हरियाणा में भजन लाल ने बिलों के आंदोलन पर किसानों की गोलियाँ मारी थी, उसके बाद हमने सरकार बदल ली थी, बंसीलाल की आई थी, फिर उसने उसी मुद्दे पे गोलियां मारी थी, फिर उसकी सरकार बदल दी, फिर उसके बाद चौटाला की आ गई, चौटाला ने गोलियां मारी थी, लेकिन किसानों की बात नहीं मानी गई थी। ये मैं पहले उदाहरण उसमें दिए। मैंने विचारधारा रखी थी कि पंजाब मिशन पंजाब चलाइए, एक मॉडल पेश करिए, क्या आप वही वोट लुटेरे हीरो जो हैं, जो परंपरागत पार्टियां हैं, क्या आप उन्हीं को दोबारा से वोट देंगे जो आपके इस व्यवस्था पर पहुंचाने के दोषी हैं? तो साथियों इस पे पंजाब जो है संयुक्त मोर्चे ने एक्शन लिया है, हालांकि वो चाहे उसमें बेशक बहुमत भी नहीं था, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये मेरी विचारधारा थी और किसी की विचारधारा पर लगाम नहीं लगाया जा सकता, किसी की विचारधारा को जबरन नहीं रोका जा सकता। हाँ, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, तीसरे की विचारधारा अलग हो सकती है, चौथे की विचारधारा अलग हो सकती है, विचारधारा के ऊपर किसी को निष्कासित करना बिल्कुल गलत है। फिर भी उन्होंने जो फैसला किया है कोई बात नहीं, आगे भी करें तो कोई बात नहीं। नंबर एक, मेरा स्टैंड वही रहेगा कि हाँ मिशन पंजाब चलाना चाहिए और पंजाब के अंदर जो है जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको, मजदूरों को, किसानों को, छोटे दुकानदारों को, इनको अपनी सरकार बनानी चाहिए और परंपरागत पार्टियों को हराना चाहिए। अपनी सरकार बना के देश के सामने एक मॉडल पेश करें, एक अच्छा काम करके दिखाएं, तो पूरा देश अनुसरण करेगा। आज राज बदलने की जरूरत नहीं, व्यवस्था बदलने की जरूरत है और व्यवस्था सत्ता से ही बदली जाएगी। मैं अपने उसी स्टैंड के ऊपर कायम हूँ। और दूसरी बात, ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा भागीदारी हमने निभाई है, आज सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज हमारे ऊपर हैं, सबसे ज़्यादा लठ हमारे लोगों को लगे हैं, सबसे ज़्यादा पानी के फुहारे, मुकदमे और जो भी हुआ है जेलों में गए हैं, सबसे ज़्यादा हमारा इसमें भूमिका रही है। और आगे के लिए हम इस आंदोलन में हमारी जैसे पहले थी वैसी की वैसी भूमिका रहेगी, बल्कि उससे भी और बढ़ के काम करेंगे। कहीं सरकार किसी गलत भलेखे में ये रह जाए कि इनमें फूट पड़ गई है, अब शायद गुरनाम सिंह आंदोलन से हट जाएगा। हम आंदोलन से बिल्कुल नहीं हटेंगे, जैसा संयुक्त मोर्चा आंदोलन में फैसला लेगा हम उसी फैसले के अनुसार अपना आंदोलन में हिस्सा लेंगे। सबका धन्यवाद। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹੂਨੀ ਜੀ ਨੂੰ 7 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਕੌਰ ਗਿੱਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹੂਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹੂਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
सख्त लफ्जों के विरोध करती है। तो असी बेनती करते हैं भी छेती तो छेती गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी बहाल किया जाए। जो उन्होंने बयान दिता कि किसानों इलेक्शन लड़नी चाहिए है, असी बिल्कुल सहमत हाँ। अगे मर्जी किसान लीडर की उन्होंने लड़नी है नहीं लड़नी, पर उन्होंने जोड़ा सस्पेंड किया गया उस फैसले का सख्त लफ्जों के विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारा सरदार असरदार सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी अज संयुक्त किसान मोर्चे वालों सस्पेंड किया गया एक हफ्ते लिए। मैं संयुक्त किसान मोर्चे का पूरी जोर विरोध करता वा। तो सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के नाल डटिया सी, डटिया हाँ, तो डटिया रवांगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। विरोध करते हैं असी संयुक्त मोर्चे नूं अपील करते हैं कि उन्हां नूं जल्दी तो जल्दी बहाल किया जाए। जेड़ा उन्होंने विचार दिता सी उसी उन्होंने विचार दे नाल सहमत आ। जय जवान जय किसान। हालांकि चढ़ूनी को सस्पेंड किया गया है, लेकिन वह अपनी विचारधारा के ऊपर कायम है। अब किसान आंदोलन राजनीति की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी।